हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल का ट्रिक देने वाला हूं बच्चों। आज हम देखेंगे कि किसी तार को खींचकर लंबाई में परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में किस तरह से परिवर्तन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है और ये कॉन्सेप्ट आपको नीट के एग्जाम्स में भी इस तरह के इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको मिलेंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे तार को खींचकर लंबाई में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में कैसे परिवर्तन होता है। पहले समझिएगा बच्चों होता है क्या एक्चुअल में। जो तार होता है ना, किसी भी प्रकार का जो तार होता है, वो तार कैसा होता है मालूम है? ये बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का, सिलेंड्रिकल शेप में होता है तार। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से होता है। अगर इस तार को हम खींचे तो क्या होगा? तार को खींचने से बच्चों लंबाई बढ़ जाती है, तार की लंबाई बढ़ जाती है और बोलते हैं उसकी मोटाई कम हो जाती है। तार की लंबाई बढ़ती है, उसकी मोटाई क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ये इस तरह से परिवर्तन होता है। आपको मालूम है एक तार को अगर खींचे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी मोटाई कम हो जाती है। मोटाई कम हो रही मतलब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा है, उसका रेडियस घट रहा है। यह चीज याद रखना। मगर एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन तो वही का वही रहेगा। फिर से सुनिएगा, जब भी किसी तार को खींचा जाता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका क्षेत्रफल कम होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं वो कम होता है। ठीक है, मगर उसका आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर बच्चों यहां पर हम मानकर चलें, ठीक है, दो आयतन होंगे हमारे पास में। एक आयतन को हम प्रारंभिक आयतन बोले, एक आयतन को हम क्या बोले बच्चों? प्रारंभिक आयतन। और एक आयतन को हम बोलेंगे नया आयतन या नवीन आयतन। ठीक है, दो आयतन होंगे, आयतन हमेशा बराबर होगा। तो ये बेलनाकार है तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, प्रारंभिक त्रिज्या को आर वन, लेंथ को एल वन मान लेना, तो प्रारंभिक आयतन पाई आर वन का स्क्वायर एल वन हो जाएगा। और नया आयतन बच्चों पाई आर टू, बाद में जो त्रिज्या हुई वो आर टू का स्क्वायर और ये एल टू। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तार को जब भी खींचा जाता है तो लंबाई बढ़ती है, तो लेंथ परिवर्तन हो रहा है। पहले लेंथ L1 था, बाद में लेंथ L2 हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा है, क्षेत्रफल घटना मतलब त्रिज्या का कम होना बच्चों। पहले त्रिज्या R1 थी, बाद की त्रिज्या R2 हो गई, मगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रारंभिक आयतन बराबर हो गया नया आयतन, पाई R1 का स्क्वायर L1, पाई R2 का स्क्वायर L1। दोनों साइड से अगर हम देखें तो पाई को हम पाई से कैंसिल करा सकते हैं बच्चों, पाई कैंसिल कर देगा पाई को और एक रिलेशन मिलेगा L1 अपॉन L2, L2 को इधर ले आए, R2 को उधर कर देंगे बच्चों, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये हमको एक रिलेशन मिलता है कि L1 अपॉन L2 इक्वल होता है R2 अपॉन R1 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे बच्चों समीकरण नंबर एक। क्या बनाएंगे हम? समीकरण नंबर एक। अब सुनिएगा, अब प्रतिरोध, तो तार के प्रतिरोध भी हमारे पास में क्या होंगे बच्चों? दो तरह के प्रतिरोध होंगे। देखिए कैसे दो तरह के प्रतिरोध होंगे। एक होगा पहले का जिसे हम नाम देंगे बच्चों प्रारंभिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रारंभिक प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रारंभिक प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू रो, ठीक है, L1 A1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या? रो L2 A1 की जगह बच्चों पाई R1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। उसी तरह नया प्रतिरोध, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास R2 इज इक्वल टू रो। अब देखिए उसी को देखकर कॉपी कर लेना, L2 पाई R2 का होल स्क्वायर। हमको कंपैरिजन करना है कि प्रतिरोध में कैसे परिवर्तन होता है, तो हम यहां पर रेशियो निकाल लेंगे बच्चों R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। तो क्या आ जाएगा देखिए, यहां यहां आ जाएगा हमारे पास में रो L1 पाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो L2 पाई R2 का होल स्क्वायर। रो रो से कैंसल हो जाएगा बच्चों, पाई जो है वो पाई से कैंसल हो जाएगा और यहां पर हमको रिलेशनशिप मिलता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इनटू हो जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, R2 अपॉन R1
पूरे का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर दो, जो जिससे कैंसल होता है ना उसको वहां पर आप कैंसल करा दो, तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू इंटू आर टू अपॉन आर वन पूरे का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर दो मिला। तो हमारे पास में देखिए दो समीकरण है, पहला समीकरण एल वन अपॉन एल टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन पूरे का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर वन था बच्चों। इक्वेशन नंबर दो मिला हमको आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू इंटू आर टू अपॉन आर वन पूरे का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर दो। ये दोनों समीकरण को ना एक बार जैसे लेंथ है लेंथ के रूप में चेंज कर लेंगे तो क्या जाएगा, देखिए अगर हम इसको लंबाई के फॉर्म में लेते हैं तो समीकरण दो में R2 अपॉन R1 की जगह हम L1 अपॉन L2 पुट कर सकते हैं समीकरण नंबर एक से, तो ये आ जाएगा बच्चों R1 अपॉन R2, ठीक है, हम L1 अपॉन L2, R2 अपॉन R1 के प्लेस में फिर से क्या रख लेंगे L1 अपॉन L2 रख लेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण फार्मूला हमको मिलता है R1 अपॉन L R2 L1 अपॉन L2 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। इसको याद रखना समीकरण नंबर तीन, ये लंबाई के फॉर्म में, ये लंबाई के फॉर्म में, और अगर हम क्षेत्रफल या त्रिज्या के रूप में फार्मूला चाहते हैं, ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, देखो त्रिज्या के रूप में बच्चों सेम R1 अपॉन R2 जो है, देखो R1 अपॉन R2 है, इस समीकरण दो में हम L1 L2 की जगह R2 अपॉन R1 का स्क्वायर रख देते हैं, तो हमारा देखो फार्मूला कैसा बन गया, ये बन गया बच्चों आर टू अपॉन आर वन पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर वन पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन पूरे का घात चार, ये हमारे पास समीकरण नंबर चार। अगर आप समीकरण तीन और चार रखते हैं याद तो बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ऐसी बना लेंगे। कैसे ऐसी बनेंगे, देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराकर दिखाता हूं इस पर। जैसे मेरे पास सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई, यहां लंबाई बोला है ना, लंबाई एन गुनी कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा। तो लंबाई के लिए हमने बोला आपको याद क्या रखना है, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू पूरे का होल स्क्वायर। प्रश्न में क्या बोला गया है, तार को खींचकर लंबाई एन गुनी कर दी जाती है, तो नई लंबाई, नई लंबाई मतलब एल टू, पुरानी लंबाई या प्रारंभिक लंबाई की कितनी गुनी, एन गुनी, तो एन एल वन, नई लंबाई पहले की लंबाई की एन गुनी, तो एन एल वन। बस आप इस पर वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, आर वन अपॉन आर टू इक्वल बच्चों एल वन, एल वन को तो एल वन ही रखना, एल टू के प्लेस में क्या रख लेना, एन एल वन, तो ये पूरे का होल स्क्वायर है, L1 L1 से कैंसल कर गया और हमारे पास में बच रहा है बच्चों R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n का स्क्वायर, और अगर हम R2 निकाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, नया प्रतिरोध R2 है, वो प्रारंभिक प्रतिरोध R1 का n स्क्वायर गुना हो गया, कितना गुना हो गया, n स्क्वायर गुना हो गया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नए प्रतिरोध जो है बच्चों वो पहले के प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है, पहले के प्रतिरोध का कितना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है। ओके अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, यहां दिया है 10 ओम के एक मोटे तार को, प्रारंभिक प्रतिरोध दे दिया है 10 ओम के एक मोटे तार को, पतले तार के रूप में खींचा जाता है जिससे उसकी लंबाई तीन गुनी हो जाती है, एन का मान दिया है, कितना गुना हो जाता है, एन तीन गुना हो जाता है, बोलता है नया प्रतिरोध, अभी मैंने बताया बच्चों आर टू जो है वो एन स्क्वायर आर वन होता है, एक के बाद एक क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आर टू एन स्क्वायर आर वन हो गया। तो हम आर टू का मान निकालेंगे, तो एन स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, आर वन बच्चों आर वन का मान कितना है दस, तो क्या आ गया आर टू नाइन इंटू टेन, आर टू इज इक्वल टू बच्चो 90 ओम। कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़े एक और प्रश्न, अब त्रिज्या के रूप में देखो, त्रिज्या पहले की त्रिज्या की आधी कर दी जाती है, बोलता है तो R1 अपॉन R2 हमारे पास फार्मूला है त्रिज्या के रूप में R2 अपॉन R1 पूरे का घात चार। एक तार को खींचकर त्रिज्या पहले की त्रिज्या की आधी कर दी जाती है, हमको यह दे दिया है कि R2 जो है नई त्रिज्या वो पहले की त्रिज्या R1 की आधी है, मतलब R1 बाई 2 दिया है। तो इस फॉर्मूले से देखो R1 अपॉन R2 बच्चों
R2 के प्लेस में बस आपको R1 by 2 रखना है, नीचे R1 ऑलरेडी है, तो इस तरह से ये पावर 4 हुआ, R1 R1 कैंसल हुआ बच्चों। क्या रहा है हमारे पास में, हमारे पास में आ रहा है R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, 1 by 2 का पावर 4, मतलब ये हुआ R1 अपॉन R2 एक बटा 16, कितना हुआ बच्चों 1/16। नया प्रतिरोध जो है R2 वो पहले के प्रतिरोध का 16 गुना हो गया, 16 R1, तो R2 is equal to 16 R1, उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा बच्चों 16 गुना हो जाएगा। अब देखो नीट 2013 का क्वेश्चन और भी बहुत बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछता है बच्चों 4 ओम के प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी मूल लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, पहले का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध दिया है बच्चों 4 ओम, ठीक है, कितना गुना n की वैल्यू क्या दे दिया है हमको 2 गुना कर दिया जाए दिया है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो R2 क्या होता है फार्मूला n स्क्वायर R1 होता है, n के जगह 2, 2 का स्क्वायर, R के जगह 4, ये 4 हो गया, ये 4 गुना क्या हो गया बच्चों 4 हो गया, कितना आ गया 16 ओम। बस एक मिनट में आपका आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे नीट में, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, मैंने दो तरह के प्रश्न बताए, शॉर्ट वीडियो है, कम समय में एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आप सभी बच्चों को, जरूर आपको पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए, लाइक करना, कमेंट करना, कौन से कॉन्सेप्ट आपको सीखने, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।